दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि ग्रेजुएशन अक्का डिग्री कॉलेज, हिंदी में बोले तो स्नातक वालों का मेरिट लिस्ट फिर से जारी हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपना कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं और साथ ही अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों को एडमिशन अब ले लेना है। आपको टाइम मिलता है 10 अगस्त से 16 अगस्त के बिटवीन। इसके बाद जो है आपको फिर से आगे मैं बताने वाला हूँ क्या क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको पहले इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है। और आप लोग जानते हैं पहले से तो सिंपल है यार, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। यहां सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है बोले तो नीचे, और येलो वाले बॉर्डर के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा आवेदक स्नातक कक्षा में अपने चयन एवं नामांकन से संबंधित महाविद्यालय संख्या एवं विषय की जानकारी प्राप्त करने एवं अपना सूचना पत्र इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने हेतु यहां पे क्लिक करें। सिंपली यहां पे क्लिक करते ही आपको एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहां अपना बारकोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और साथ ही इस वाले कैप्चा कोड को यहां भर देना और प्रिंट पर टैप करने के बाद फिर से यही पेज रिलोड होगा। रिलोड तो नहीं होता है वैसे, यहीं पे खुलता है और थोड़ा सा नीचे प्रिंट के नीचे आप दिखेंगे तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा और साथ ही वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप लोग आगे जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है स्पेशल इस वीडियो पे, वहां से जाकर के आप देख करके समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कट ऑफ लिस्ट के बारे में। यहां पे कट ऑफ लिस्ट पे क्लिक कीजिए। यह जो है मेरिट लिस्ट 1 का कट ऑफ लिस्ट है। आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर कट ऑफ देख सकते हैं, किस कॉलेज का है वह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है सारी यूनिवर्सिटी का भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ मुंगेर का यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता है इनके वेबसाइट का बग होगा या फिर यह सुधार हो जाएगा। मुझे लगता है 48 आवर्स में इस वेबसाइट पे सब कुछ सुधार हुआ है और यह भी सुधार हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देखते हैं। सिंपली 100 पे टैप कीजिए, लोडिंग लेगा, इंतजार कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाइए, आपको कॉलेज दिखाई देगा, यूनिवर्सिटी दिखाई देगा, सीरियल नंबर दिखाएगा, सीरियल नंबर, यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, स्ट्रीम, सब्जेक्ट नेम, जनरल और SC। अब यहाँ पे हम लोग अपना कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। मुझे धनराज सिंह कॉलेज मिला है, वहाँ मैं जाकर के देखता हूँ क्या है उसका कट ऑफ। धनराज तो मिलेगा डी में, धनराज सिंह कॉलेज, मुंगेर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो है आर्ट्स में 39 चाहिए और यहाँ पे आर्ट्स वालों का 39 कट ऑफ गया है जनरल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जाति कोटि, SC ST जनरल, BC EBC, वमेन बैकवर्ड कैटेगरी, यहाँ पे सारे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं आसानी से और साथ ही समझ सकते हैं कि आगे आपको सेलेक्ट करना चाहिए कॉलेज। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है, जिन लोगों का कॉलेज अभी चेंज करना है, पास्ट टाइम एडमिशन ले लिए थे और अभी आप चेंज नहीं कर पाए कॉलेज, अब भी आपको दूसरे कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, आपको 5 या 7 नंबर कोई और कॉलेज मिल गया, 1 नंबर मिल गया, आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो अब भी चेंज कर सकते हैं। उसे स्लाइड ऑफ फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। उसे चेंज करने के लिए आपको स्पेशल डेट आएगा 17 से 20 अगस्त के बिटवीन और यहां पे लिस्ट जो है जारी किया जाएगा 25 अगस्त को। सेकेंड मेरिट लिस्ट, ग्रेजुएशन का सेकेंड मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को जारी किया जा रहा है। अब वो डेट बढ़ता है तो भाई वह भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। हालांकि अभी की जो न्यूज है 25 अगस्त को ही नया मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस न्यूज को और भी डिटेल में। आपको सूचित किया जाता है कृपया उक्त आवंटित महाविद्यालय में अपना नामांकन दिनांक 10 अगस्त से 16 अगस्त 2018 के बीच अवश्य करा ले। अगर आपके द्वारा निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप महाविद्यालय संकाय विषय में संतुष्ट नहीं है तो आप 16 अगस्त 2018 से 20 अगस्त 2018 तक उपरोक्त कांडिका में 4 में अंकित कॉलेज में नामांकन कराने के बाद 17 अगस्त 2018 से 20 अगस्त 2018 बेहतर कॉलेज संकाय विषय और नामांकन हेतु ऑनलाइन रूप से वेबसाइट OFSSBihar.in पर स्लाइड अप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आपके नए विकल्प, नया कॉलेज संकाय विषय भी भर सकते हैं ताकि आपको दूसरी सूची में बेहतर कॉलेज संकाय विषय आवंटित करने हेतु विचार किया जा सके। प्रथम प्रक्रम के पश्चात दिनांक 25 अगस्त 2018 को द्वितीय चयन सूची सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके आधार पर दिनांक 26 अगस्त 2018 से 29 अगस्त 2018 तक संबंधित महाविद्यालय में नामांकन लिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप OFSS पोर्टल पर उपलब्ध सभी कॉलेज के विषय का कट ऑफ देख सकते हैं।
आपको सुझाव दिया जाता है कि नया विकल्प के रूप में किसी संकाय विषय को चुनने भरने से पहले आपको समिति की वेबसाइट ofssbihar.in को खोलकर विभिन्न महाविद्यालयों का अलग अलग विषयों का प्रथम कट ऑफ सूची अवश्य देख ले, ताकि आपको इस बात का अंदाजा मिल जाए, जानकारी मिल जाए कि आपके अंक एवं आरक्षण के आधार पर आपको द्वितीय सूची में किन कॉलेज में विषय में एडमिशन मिल सकता है। कट ऑफ लिस्ट के बारे में आपको बताया है कि कट ऑफ लिस्ट कैसे चेक करते हैं। इस तरह से आप जो है सेकंड जिसमें आपको नहीं हुआ है, आप चाहते हैं उसमें हो, तो उसका कट ऑफ पहले चेक कीजिए, उसका कॉलेज देखिए, उसका यूनिवर्सिटी देखिए, सब्जेक्ट देखिए, और उस सब्जेक्ट में देखिए कट ऑफ कितना गया है, और अभी का अभी जो आपका कट ऑफ आया, जिस कॉलेज में आया, जिस यूनिवर्सिटी में आया, वहां से जाकर के देखिए किस कट ऑफ के अंदर आपका एडमिशन हुआ है। तो इस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ कितना गिरने वाला है, 5 से 10 नंबर, हो सकता है वो भी नहीं गिरे, बहुत कम नंबर गिरे, लेकिन द्वितीय सेकंड लिस्ट में जो भी लोग अब छूट गए हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके क्योंकि यहाँ पे कहीं जाने वाला नहीं है, ofssbihar.in पूरे 3 मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और नंबर घट पढ़कर आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। आप लोग बस पास हो गए हो, वही सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 10 अगस्त से बिटवीन 16 अगस्त तक आपको एडमिशन लेना है। अगर आप लोग लेट होते हैं तो फिर से हो सकता है कि डेट बढ़ा दिया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के तरफ से, लेकिन आपको कोशिश करना है जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है भाई लोग। बस इन इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ऐसे बताइए ताकि ofssbihar.in पोर्टल का भी टाइम बच सके, अपने बिहार का भी टाइम बच सके और अपना भी टाइम बच सके, और टाइमली हम लोग अटेंड कर पाए ग्रेजुएशन कॉलेज, डिग्री कॉलेज, अक्का हिंदी में स्नातक कॉलेज। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। कट ऑफ लिस्ट पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जल्द आएगी, कल आएगी, और एक या दो तीन चार पाँच सारी यूनिवर्सिटी को मैं देख करके बताऊंगा कितना 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 किसका कितना कट ऑफ गया हुआ है, ताकि आप लोगों को अंदाजा मिल जाए। आप द्वितीय सेकंड लिस्ट में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं दूसरा कॉलेज, तो वहां पे आपको अंदाजा मिल जाएगा उस हिसाब से कि किस तरह से आप सिलेक्ट करें, आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो घबराने की कोई बात नहीं, थर्ड बार ट्राई करेंगे, थर्ड बार तो आना ही आना है, क्योंकि कट ऑफ जो है थर्ड बार बहुत ज़्यादा गिर सकता है, बशर्ते सीट बचा हो। अगर सीट नहीं बचा हो तो बेस्ट रहेगा कि आपको जहां कॉलेज मिला है वहीं पे भर्ती हो। धन्यवाद। आप लोगों का कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट कीजिए, आपका कमेंट पिक करूंगा और कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर बाय चांस आपको कमेंट में जवाब नहीं दे पाता हूं तो अगली वीडियो में आपको जवाब मिलेगी उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो के रूप में, क्योंकि हो सकता है भाई लोग बहुत सारे कमेंट एक ही प्रकार के आ जाते हैं, तो सब लोगों को जवाब देने से बेस्ट रहेगा एक वीडियो बना दो। आशा करता हूं इस बात को आप लोग सपोर्ट करते होंगे। थैंक्स, आप हमारे साथ बने रहिए, और साथ ही जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और नोटिफिकेशन वाले आइकन को दबा देना, उसी से नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिलेगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे सबसे पहले, क्योंकि मैं हूँ आपकी अपनी आवाज़, अ वॉइस ऑफ योर्स, जर्जियतुस गुडविन।